सत्संग क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है और सत्संग में आना चाहिए, ये संत पीर फकीर हमेशा बोला करते हैं। तो सत्संग का मीनिंग मतलब क्या है? सत्संग, सत सच सत्य एक ही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम, उसके अलावा दुनिया की हर शय बदल जाती है, हर चीज बदल जाती है, पर भगवान ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ना कभी बदला था, ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा। वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। तो हर समय, हर पल, हर जगह वो मौजूद है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो एक ही होती हुए भी हर समय, हर जगह, हर पल मौजूद रहती हो, पर ओम हरि अल्लाह राम एक होते हुए भी हमारी इस दुनिया में ही नहीं, एक त्रिलोकी में नहीं, सैकड़ों त्रिलोकियां जो धर्मों में लिखी है, निज धाम सचखंड सतलोका नामी सतनामी, सब जगह वो रहता है, कोई जगह उसे खाली नहीं है। और कमाल उसका ये है, वो जिस भी चीज को देखता है उसी का रूप धारण कर लेता है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद। पेड़ पौधे ले लीजिए, जीव जंतु ले लीजिए, पशु पक्षी परिंदे ले लीजिए, हर जगह वो है। तो सत्संग में जब इंसान आता है, सुनता है, तो उसकी समझ में आता है कि हाँ, एक ऐसी सुप्रीम पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो हर समय हर जगह मौजूद है। तो सत्संग क्यों जरूरी है? आदमी कहते है, मैं क्यों करूं सत्संग, किस लिए करूं सत्संग? क्या आप जानते हैं कि आप कितनी शक्तियों के धनी हैं? शायद आप सोचते हो कि मैं तो सब जानता हूं, मेरे में इतनी अकल है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे में इतनी समझ है, मेरी बॉडी स्ट्रेंथ ये है, मेरी माइंड स्ट्रेंथ ये है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आप सोचें कि मेरे को तो सारा पता है। जी नहीं, ये तो 100% में 1-2% ही आपको पता है। यहां तक साइंटिस्टों की बात करें, वो भी कह रहे हैं हम तो इंसानी शरीर को 10-15% ही पढ़ पाए हैं। तो हमारे धर्मों में ये बताया गया है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ, सोचने की शक्ति, शारीरिक शक्ति यानी आत्मिक मानसिक शारीरिक शांति चाहते हैं, शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसके योग्य हैं, मनुष्य जो अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है। पर कैसे? क्योंकि वो शक्तियां आपके अंदर हैं, और बढ़ाने के लिए एक स्कूल कॉलेज अगर कोई है तो वो सत्संग है। यहां बताया जाता है वो मेथड, वो युक्ति, वो तरीका, जिसको अपना के आप अपनी इन शक्तियों को अपने अंदर से हासिल कर सकते हैं।